फिगर नंबर वन सारा खेल फिगर का है फिगर नंबर जितने अच्छे ढंग से आप आकृति को समझ लेंगे उतने ही अच्छे से आप टॉपिक के मास्टर मान लो ये सर्कुलर टेबल है ये कौन टेबल है किसी ने कहा इस टेबल के चारों चार व्यक्ति हैं कितने व्यक्ति हैं तो कुछ बच्चे को लगता है कि तीन यहां बैठा दो एक यहां बैठा दो चार व्यक्ति का मतलब सभी की दूरी क्या है बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ स्थिर हो जाओ कि यदि यहां चार व्यक्ति हैं तो सभी की बीच की दूरी क्या होगी बराबर आप जानते हो कि पूरे गोले का मान कितना होता है तो यदि चार व्यक्ति हैं तो चार से डिवाइड करो कितना होगा अर्थात इसकी वैल्यू कितनी होगी नाइन यह भी नाइन क्लियर इन सभी चार व्यक्ति की जो नजर है वह केंद्र पर है कहां है केंद्र पर प्ले ड्रॉप फिगर चार के चार व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। और यहां ए है यहां बी यहां सी और यहां डी यहां लिखो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि ए के सामने कौन है सी और सी के सामने बी के सामने और डी के सामने बी तो आमने सामने का मतलब वह सीधी रेखा जो केंद्रीय बिंदु से गुजरती हो आमने सामने का मतलब वह स्ट्रेट लाइन जो सेंटर पॉइंट से गुजर द तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट तो अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि यदि व्यक्ति की कुल संख्या टोटल नंबर क्या हो इवन हो यदि व्यक्तियों की कुल संख्या सम हो तो याद रखना आमने सामने निकाला जा सकता है। तो वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर वी कैन फाइंड इन फ्रंट टू ईच अदर तो याद रखना यदि व्यक्तियों की कुल संख्या सम संख्या हो तो हम लोग आमने सामने का निर्धारण कर सकते हैं वी कैन फाइन इन फ्रंट टू ईच हम लोग आमने सामने का निर्धारण कर सकते हैं। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे मेरे पास जगह नहीं आप नीचे लिखना उसके नीचे ए के सामने कौन है बताओ तो ए के सामने कौन है सी और बी के सामने कौन है डी बहुत उम्दा रिप्लाई ए के सामने सी और बी के सामने डी अब इंग्लिश मीडियम भी होंगे लिखिए इन फ्रंट ऑफ ए यहां लिखना इन फ्रंट ऑफ ए फिर लिखना इन फ्रंट ऑफ बी डी तो इन फ्रंट ऑफ ए हो गया सी इन फ्रंट ऑफ बी हो गया डी मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं यदि व्यक्तियों की संख्या चार हो छ हो आठ हो दस हो इवन नंबर हो तो गर्ल्स क्या निकाल सकते हैं आमने सामने वेरी सिंपल अब यदि यहां पांच व्यक्ति होगा तो दूरी तो हम निकाल लेंगे और तो उसमें क्या क्या निगेटिव प्वाइंट बता रहा हूं एक ही बात ध्यान रखना कि पूरे गोले की वैल्यू कितनी होती है यदि छह व्यक्ति होते तो हम डिवाइड करते थे तो साठ साठ हो जाता चार है तो चार से दस है तो दस इनके बीच की दूरी कितनी है ब्रदर तो कोई व्यक्ति पूछे कि ए और सी की दूरी कितनी होगी वन एट्टी, बहुत सिंपल लेकिन फिगर नंबर टू दूरी भी एंगल के टर्न पर ही देखा जाता है कि ए सी से कितने दूरी पर है तो नब्बे डिग्री क्लॉक या एंटी बोलेंगे